हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि टेकएम महिंद्रा की तरफ से आ चुका है। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होने वाले हैं बिकॉज फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट हैं चाहे अनडिजर्व कैंडिडेट है, बिल्कुल फ्री में आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे टेकएम की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में, कौन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक से दो दिन पहले मैंने अपलोड नहीं किए थे वीडियोस क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता है कम आ रहे थे, बट अब नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियोस अपलोड की है जिसमें LIC की अपडेट है, उसको भी आप चेक कर लेना, और एक वर्क फ्रॉम होम का अपडेट आया हुआ है। कम्युनिटी टैब में दोनों का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है चेक करके उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेकएम की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है। तो आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिटी या टाउन, आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो 1020 प्लस वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। आपकी एज मिनिमम 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 है, आपके उसके अकॉर्डिंगली इसमें सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं आपकी कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसीज है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैलरी आपकी इन हैंड कितनी रहने वाली है। तो एज अ फ्रेशर इसमें आपकी 20,000 इन हैंड सैलरी रहने वाली है, प्लस अदर अलाउंस आपको इसके लिए पे किया जाएगा, जैसे इसमें आपका PF का बेनिफिट भी आपको मिलेगा एंड मेडिकल फैसिलिटी जो एज़ पर नॉर्म्स मिलती है एक एम्प्लॉय को, वो आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है अप्लाई कैसे करना है। सो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको टेकएम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आपको मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक, पहला लिंक आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का, साथ में मेंशन होगा, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन की ऑप्शन है, उसके बाद लास्ट में आप ब्लू में देख पा रहे हैं न्यू यूज़र या फिर रजिस्टर की। अगर आपने पहले कभी रजिस्टर किया है, सिंपली आप यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले अपना नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, उसके बाद अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके, और साथ में आपको अपना एक अट्रैक्टिव सा रिज्यूम ज़रूर से साथ में अपलोड कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना है, जो कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके पास SMS या फिर ईमेल आ जाएगी कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। ये तो है अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ, आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में आप ब्लू में ऑप्शन देख पा रहे हैं न्यू यूज़र या फिर साइन अप की, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा साइन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन करनी है, उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी मेंशन करना है जो आप इसके लिए रखना चाहते हैं, उसके बाद आपको अपना 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंफर्म पासवर्ड की, जो पासवर्ड आप रख रहे हो वो आपको कन्फर्म यहाँ पर करना है कि आप यही पासवर्ड रख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैप्चा आपको ऐड
करना है। अभी के लिए आप देख पा रहे हैं 29+9=2, आपको यहाँ मेंशन कर देना है। कैप्चा के लिए आपको सिंपली सबमिट कर देना है, ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब आपने यूज़र नेम जो और पासवर्ड जो रखा है, सिंपली लॉगिन के लिए आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर बताया है उसी तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट बात आती है टेकम की, ये जो वैकेंसीज आउट की गई हैं इसके लिए पोजीशन कौन सी है। तो ये जो वैकेंसीज है कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आउट की गई हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आउट की गई हैं। नेक्स्ट इसके लिए बात आती है इन वैकेंसीज के लिए आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसमें एग्ज़ाम आपका कोई नहीं होने वाला है और फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपकी जो इसमें सिलेक्शन है वो आपकी इंटरव्यू बेस्ड होने वाली है, पर्सनल इंटरव्यू होगी, वो भी वॉक इन आपकी होने वाली है, कब कहाँ वो भी आगे आपको बता रही हूँ। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपका वर्क क्या रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रेशर्स कैंडिडेट के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हम अपने लिए जॉब कैसे फाइंड करें। एक्चुअल में फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जॉब फाइंड करना, मीन्स उनके लिए एक टास्क बन जाता है, और ऐसे में ऑनलाइन हायरिंग प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा हेल्प नहीं करते। लेकिन अगर आप स्टार्टअप के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। बॉटम से मशीन गन के मेथड से जॉब अप्लाई करने से काम भी नहीं बनता, आप कई जॉब के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होते लेकिन आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है। इन सब मेथड को स्किप करके बिना मोटिवेटेड हुए आप एक और नए तरीके से अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है, री लेवल है, अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। अब बात आती है इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। री लेवल की तरफ से काफ़ी अलग अलग कंपनीज है जिसमें आपकी इसमें हायरिंग हो रही है, जैसे कि अपग्रेड है, अलग अलग कंपनीज से आप देख भी पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैंशन करके आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के जो स्कोर होंगे उसके बेसिस पे इसमें आपको सामने से कंपनीज अप्रोच करेंगी, अलग अलग कंपनीज जो आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें अगर पैकेज की बात करें 4 लाख से 20 लाख तक आपका इसमें पैकेज है। बिल्कुल फ्री में रजिस्टर करना है, इसमें कोई एज की बाउंडेशन भी नहीं है, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, क्लिक करके उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आप जरूर से रजिस्टर कर लेना। फिलहाल हम बात करें रिक्रूटमेंट की, उसके बाद बात करते हैं इसमें आपका वर्क क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका जो कस्टमर सर्विस की ये वैकेंसीज है, आपको इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स का ये वर्क है। इसमें जो आपका मेनली वर्क रहने वाला है ये आपका कॉलिंग का है, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही हैं, और इसमें आपको कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है या उनकी कोई भी क्वेरी है उनको आपको रिजॉल्व करना होगा। तो बाकी आपको इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सैलरी भी पे इसमें की जाती है। नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं आपको गुड कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना होगा। अब नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, तो इसमें आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। और जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको अपने रिज्यूम के साथ ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, इन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। नेक्स्ट इसके लिए बात आती है क्वालिफिकेशन की, आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की, सैलरी जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम आपकी 20,000 रहने वाली है, प्लस अदर अलाउंस आपको इसमें पे किया ही जाएगा, बट जो स्टार्टिंग सैलरी है 12,000 है और आपकी लास्ट जो है 20,000 के अराउंड ही जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, आप इंटरव्यू जिस हिसाब से अपने देंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट इसके लिए बात आती है इन वैकेंसीज के लिए आपके इंटरव्यू कब होने वाली हैं। तो इसके लिए आपकी 23rd अक्टूबर 2021 को वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है, एड्रेस नोटिफिकेशन में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने रिज्यूम के साथ एक ये भी मेंशन किया कि आपको अपना वैलिड आधार कार्ड साथ में कैरी करना है, ओरिजिनल भी कर लेना है, जीरोक्स कॉपी भी आप इसके साथ कैरी अपनी कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई डाउट है इसी वैकेंसीज को लेकर, नहीं किसी अदर वैकेंसीज को लेकर भी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं तो मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको टेकम का मिल जाएगा, सेकेंड हमारी ऑफिशियल साइट का, जहाँ पर विजिट करके इसके अलावा जो वैकेंसीज आई आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।